हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सभी? आज अपन लोग करने वाले हैं भाई RC 200, जो न्यू वाली जनरेशन आती है, इसका एक राइड रिव्यू। बेसिकली आज मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत मतलब R15 से भी कंपैरिजन करके बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी लोग ना मतलब कंफ्यूज रहते हैं कि यार RC लें या R15 लें, तो उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहली चीज़ की इसकी ना मतलब देख करके चला करके देखते हैं कि भाई कैसी, कितनी ज़्यादा मज़ेदार है, गियरिंग कैसी है, पावर कैसी है, और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और जैसा जैसा मुझे समझ में आएगा मैं वो सारी चीज़ों के बारे में बात करूँगा। तो लुक देख लो भाई 360 एक बार। मुझे पर्सनली सच बताऊं तो नई वाली RC ये आधा वाला जो हिस्सा है ना, इसके बाद का बहुत पसंद है। थोड़ा पीछे से मुझे थोड़ा सा ये जो सीट है ना वो ऑड लगती है। टेल लाइट तो मुझे सेक्सी लगती है, टेल लाइट में मुझे कोई इशू नहीं, इंडिकेटर ठीक है। बस ये थोड़ा सा मतलब ये देखो पर्सनल चॉइस हो सकती है, आप लोगों को पसंद होना हो, बट ये थोड़ा मुझे पर्सनली अच्छा लगता। तो चलो भाई चलते हैं इसको ले करके। सबसे पहली चीज़ ग्राउंड क्लियरेंस भाई अच्छी खासी ऊँची है, सीट हाइट जो है वो अच्छी खासी ऊँची है। मतलब अगर आपको थोड़ा सा अगर आपका हाइट 5.5 से ऊपर रहेगा तो और ज़्यादा मज़ेदार रहेगी, बट 5.4 होगी तो थोड़ा सा आपको इशू हो सकता है, तो वो चीज़ आप लोग चला के देखना। बाकी ये पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इस बाइक का। ये से स्टार्ट करते हैं और लेट्स गो। तो KTM भाई, KTM का मतलब है परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंस तो मिलेगा ही, परफॉर्मेंस तो भाई सच में यार मतलब जैसे हम कंपेयर करते हैं ना R15 से, बट 200cc मतलब 200cc ही है भाई। भले वो बहुत अच्छा हो ना हो, बट मज़ेदार ही अलग है उसकी 200cc की। भले R15 कितना ही बीट करती, खैर इसको मेरे को लगता है नहीं बीट कर पाएगी, क्योंकि इसकी टॉप स्पीड भी पहले से इंक्रीज़ हो गई है। जो प्रीवियस जनरेशन आता था उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम था। बट सबसे पहली चीज़ के बारे में बात करते हैं परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंस भाई आपको टॉप नॉच मिलती है। बहुत ही ज़्यादा शानदार भाई, मतलब फील आ रहा है इस बाइक को भगाने में। फोर्थ गियर में होने के बावजूद भी अगर मैं एक्सीलेटर पूरा खींचूंगा ना, तो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा अच्छा पुल है, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव पुल है, मज़ा आएगा आप लोगों को। S200cc की बाइक में तो अगर स्पोर्ट्स बाइक देखते हो, टॉप नॉच है भाई, टॉप नॉच, कोई भी टक्कर नहीं है। साथ ही साथ में मैंने बाइक को भगाया, वाइब्रेशन डेफिनेटली आपको मिलती है। लाइक अगर आप ये 24 तक चलोगे, 30 तक चलोगे तो उतना फील नहीं होगा। जहाँ आपका RPM थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा, डेफिनेटली ये बाइक जो है थोड़ा सा वाइब्रेशन यहाँ पर आपको मिलती है, फुट पैक्स में मिलेगी और थोड़ा बहुत यहाँ टैंक के पास में मिलेगी। और सबसे पहली चीज़, जैसे मैंने R15 से अगर कंपैरिजन करूँ तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है ना ये ज़्यादा उठी हुई है R15 के मुकाबले। मुझे लग रहा है उस पर ज़्यादा झुकना पड़ता है, इस पर थोड़ा कम झुकना पड़ता है। आप लोगों का क्या राय है आप मुझे ज़रूर बताना। बाकी ओवरऑल भाई मुझे ये वाली RC अच्छी लगती है, नो डाउट, भागने के मामले में तो बढ़िया है और लीन मीन एग्जैक्टली वैसी, बल्कि इसके अंदर और ज़्यादा एडवांटेज, और ज़्यादा मतलब आपको मज़ा आएगा, क्योंकि 150 सेक्शन का टायर है, तो अब वहाँ पर आपको जो कॉन्फिडेंस मिलेगा ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भाग रही है भाई। और ब्रेकिंग टेस्ट करते हैं थोड़ा सा, ब्रेकिंग कैसी है, क्योंकि जिस हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस है तो भाई रुकना भी तो ज़रूरी है। ब्रेकिंग में कोई इशू नहीं है भाई, फ्रंट की ब्रेक बहुत अच्छी है, थोड़ा सा रियर का बाइट कम रहता है और डेफिनेटली रहेगा ही, क्योंकि आगे का जो डिस्पैड है वो ज़्यादा मतलब जो डिस्प्लेट है वो बहुत बड़ी है, तो उसकी वजह से ब्रेकिंग थोड़ी अच्छी हो जाती है। तो भाई टायर वायर के मुकाबले अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस जो है टायर ऑफर करता है। और यहाँ पर अगर मैं गियरिंग के बारे में बात करूँ, मुझे पता नहीं क्यों थोड़ी सी मतलब हार्ड लग रही है, मतलब मेरे हिसाब से देखो इसलिए लग रही है क्योंकि मैं R15 चलाता हूँ, क्विक शिफ्टर आता है तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा काम करता है, थोड़ा सा हार्ड लगेगा आपको, बट अगर आप रेगुलर चलाओगे तो आप लोगों को आदत हो जाएगी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्लच भी काफ़ी बढ़िया है, लाइक अगर आप लोग जाम में चलाते हो या फिर कहीं पर भी, तो आपके हाथ दर्द होने के कम ही चांसेस रहेंगे, तो वो चीज़ें काफ़ी इंप्रेसिव है। और यहाँ पर आप लोगों को जो स्पीडोमीटर ना, थोड़ा सा मुझे मतलब ऐसा लगता है कि KTM से थोड़ा सा डिमांड ही रहेगा, ये ना कैलकुलेटर जैसा लगता है यार, सच बता रहा हूँ। मतलब है बड़ा सा TFT टाइप का लुक दे रखा है, बट इसके जो अंदर के जो फॉन्ट्स हैं या फिर वो तो थोड़ा सा डिज़ाइन को अगर चेंज कर देना KTM, तो वाह वाह मज़ा ही आ जाएगा भाई, मज़ा ही आ जाएगा। थोड़ा ओवरटेक भी कर लेते हैं, भाई साहब क्या पावर है। यूं पहाड़ों में अगर मैं इसे लेके गया था ना मनाली, तो भाई मुझे मज़ा आ जाता सच में, मुझे कहीं पावर की दिक्कत नहीं लगती, तो वो चीज़ है। ब्रेकिंग का मैंने जैसा आपको बताया, फ्रंट की ब्रेक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, रियर की थोड़ी सी आप लोगों को ऐसा लग सकता है कि हाँ मतलब मज़ेदारी नहीं आ रही। और एक चीज़ बेस्ट लगी, इस मिरर्स को ना आप इतना भी खोल सकते हो यार, और इतने देखो दोनों खोल के दिखाता हूँ, जब ये शुरू मतलब ये पूरा खुलता है ऐसे करके, तो ये चीज़ मुझे उतनी पर्सनली देखो, बट इससे एक फ़ायदा क्या है, जैसा अब ये खुल गया
मुझे पीछे का पूरा विजिबिलिटी दिख रहा है कि कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन सी गाड़ी नहीं आ रही। और यहाँ पर ये चीज़ बेस्ट है कि इसको थोड़ा सा अंदर करके आप इतना भी खोल सकते हो, लाइक अगर आप जाम में चल रहे हो तो आपको यहाँ से भी दिखाएगी। तो ये चीज़ मुझे ज़्यादा पसंद आई। बढ़िया भाई, KTM दिमाग से खेल गया, दोनों चीज़ें दी थी ना, ये बहुत बढ़िया काम किया। बाकी सस्पेंशन के बारे में बात करें तो सस्पेंशन भी भाई बहुत ज़्यादा बढ़िया है, सस्पेंशन में कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि अगर आप बहुत बड़े गड्ढे में जाओगे तो थोड़ा आपको झटका लग सकता है। बाकी सीट्स आर नॉट कम्फर्टेबल, राइडर की भी सीट कम्फर्टेबल नहीं भाई। थोड़ी देर से चला रहा हूँ, दर्द होना शुरू हो गया मेरे को, और पिलियन का तो होगा ही होगा कि वो रोएगा ही रोएगा। और एक चीज़ इस बाइक के अंदर बेस्ट रहने वाली है कि जैसे सपोज़ करो आप दो लोग बिठा करके चलते हो, आपको कहीं पे भी पावर का कोई भी इशू नहीं लगेगा भाई। जितना मन करे उतना भगाओ, जितना मन करे, मतलब ज़िगज़ैग करना तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी इशू नहीं। बाकी अगर आप लोगों को इस बाइक के पूरा, इस बाइक का अगर ओनरशिप पूरा देखना है ना, तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हो कि ओनर का क्या एक्सपीरियंस रहा है। मुझे तो खैर मज़ा आ रहा है, बट ओनर का भी क्या एक्सपीरियंस रहा है वो चीज़ जो है आप लोगों को वहाँ पर पता चल जाएगी। बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है भाई काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, मतलब सारी चीज़ें आप लोगों को बता देता है। एवरेज स्पीड आप लोगों को मिल जाएगा, स्पीडोमीटर, ट्रिप कितना चली है, फिर आपका गियर इंडिकेटर, टाइम कितना किलोमीटर चली है, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को इस बाइक के अंदर मिल जाएगी भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोगों को 200cc की कोई सेगमेंट लीडर बाइक चाहिए ना, तो भाई वन ऑफ द बेस्ट है, आप आँख बंद करके ले सकते हो, आपको डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी इशू नहीं आएगा आप लोगों को इस बाइक के साथ। और हैंडलिंग पे थोड़ा सा मैं बताऊँ तो देखो, मुझे R15 से मुझे थोड़ा कम, मतलब ऐसा फील हो रहा है कि मैं ऊपर बैठा हूँ तो इतना ज़्यादा हाथ वाथ लाल भी नहीं हो रहे, ठीक ठाक से हैं, एवरेज हैं, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा कम कंफर्टेबल भी नहीं है। बट सीट डेफिनेटली हार्ड है भाई, सीट में मज़ा नहीं आ रहा मुझे बिल्कुल भी। बाकी भागने में तो क्या चीज़ है ये भाई क्या गजब भाग रही है ये, मतलब भाई KTM है भाई, KTM है, KTM है, KTM KTM नहीं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छी चल रही है, लिटरली बहुत अच्छी चल रही है, कोई भी इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है इस बाइक के अंदर। बाकी आप लोगों में से कितने लोग KTM को RC को ऑन करते हैं आप बताना जरूर। मैंने फर्स्ट टाइम चलाई है, मैंने इसे पहले चलाई ही नहीं, जब ये लॉन्च हुई थी तब भी मैंने नहीं चलाई थी, आज मैं पहली बार इस बाइक को चला रहा हूँ, तो मेरा यही कुछ एक्सपीरियंस है, यही कुछ रिएक्शन है। इसके हैंडल की एक अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया है कि आप इसको चाहो तो डिक्रीज़ भी करवा सकते हो, मतलब जितना ये ऊपर है उतने ही अगर आप नीचे कराना चाहो, मतलब 4-5 mm शायद नीचे हो जाएगी, तो वो चीज़ भी उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनको पूरा ट्रैक रैक करना हो ना, दिल करे ट्रैक पे जाने का, तो उन लोगों के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इजीली जो है वो आप जा सकते हो। तो भाई यही था वीडियो, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।